सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई पोर्टल पर जनता की समस्याओं शिकायतों का ठीक से समाधान न होने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही खफा है। आज इसी मुद्दे को लेकर के सीएम योगी ने शाम को अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को बुलाया गया है। वहीं सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षकों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए। दरअसल कल सीएम योगी ने ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन सेवा की फीडबैक को लेकर के बैठक बुलाई थी। बैठक में पता चला कि अधिकारी लोगों की शिकायतों को लेकर के जरा भी गंभीर नहीं है, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। फीडबैक के बाद सीएम योगी काफी नाराज भी हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से लापरवाह नौकरशाही पर काफी नाराज हैं। ये नाराजगी हुई है जन सुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन पर सुनवाई ना होने की वजह से। ये जन सुनवाई पोर्टल है सीएम का और सीएम हेल्पलाइन है ये, लेकिन इन दोनों पर ही जो सीएम ने निर्देश दिए थे उन पर काम नहीं हो रहा है। जो अधिकारी हैं वो लगातार लापरवाही कर रहे हैं और इसी वजह से सीएम ने आज 8 बजे लोकभवन में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद होंगे, अपर मुख्य सचिव मौजूद होंगे, साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के कप्तान और डीएम को भी रहने को कहा गया है। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी सीएम को कि जो जन सुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन है उस पर भी जो दर्ज शिकायतें हैं उनका निवारण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में नौकरशाही से काफी सीएम नाराज हैं और आज ये कहा जा रहा है कि बैठक में इन अफसरों के पेज भी कसे जाएंगे। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया लखनऊ। और जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आज की बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। फीडबैक के बाद जो खुलासा हुआ है, जो लापरवाही अधिकारियों के सामने आई है, उसके बाद सीएम योगी का नाराज होना बिल्कुल लाजमी है। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी काफी नाराज हैं, खास तौर से लापरवाही अफसरों की दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी में ये मंथन करने को मजबूर हो गए लोग कि क्या वाकई में जनता तक जो तमाम योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, समस्याएं जो जनता की हैं वो खत्म नहीं हो पा रही हैं। तो इन्हीं सब चीज को लेकर इसका असर पूरी तरह से यूपी में दिखाई पड़ रहा है। खुद सीएम अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने जब मॉनिटरिंग की कल और उन्होंने ये पाया कि तमाम जो शिकायतें हैं जो जन सुनवाई पोर्टल पर आ रही हो या सीएम हेल्पलाइन पर आ रही हो, या कि तमाम जो शिकायतें हैं जो जन सुनवाई पोर्टल पर आ रही हो या सीएम हेल्पलाइन पर आ रही हो उनका निवारण नहीं किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसको लेकर सीएम काफी नाराज हुए और उन्होंने आज 8 बजे लोकभवन में तमाम जो अपर मुख्य सचिव हैं, साथ ही साथ जो प्रमुख सचिव हैं, उन सबको बुलाया है। साथ ही ये भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के कप्तान और डीएम भी मौजूद रहे और उनको लगेगा कि जिस जिले में शिकायतें सबसे ज्यादा हैं उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है उस जिले के डीएम और कप्तान से वो सीधे बात करेंगे। क्योंकि जन सुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि जनता की जो समस्याएं जिले लेवल पर खत्म नहीं हो पाती हैं, शासन तक नहीं पहुंच पाती है, उनकी सीधे मॉनिटरिंग की जा सके। लेकिन शायद ये कह सकते हैं कि जो लापरवाह अफसरशाही है वो पूरी तरह से हावी है और इसी सब वजह से जो जनता की जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। सीएम इस पर काफी नाराज हैं और आज सीएम इस पूरे मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे। बैठक के बाद यह भी कहा जा रहा है कई अफसरों के पेज भी कसे जाएंगे। क्योंकि जन सुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जनता की जो समस्या है वो बिना विलंब किए उसका निर्धारण करें और खास तौर से निस्तारण करते वक्त इस बात को लेकर जो मानक है वो तय कर दिए जाए कि जो निस्तारण होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट हो वो भी लगे। लेकिन तमाम जो अफसर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल रिपोर्ट तो लगा दी लेकिन जो समस्याएं थी उनका निस्तारण नहीं किया। तो इस तरह की जो शिकायतें थी फिलहाल ये कह सकते हैं इसको लेकर सीएम काफी नाराज हैं और सीएम ने आज इसीलिए एक बड़ी बैठक बुलाई है लोकभवन में। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीएम इस बात को लेकर जो है आशंकित भी हो चुके हैं कि शायद जो विधानसभा चुनाव के नतीजे जो जनता की जो नाराजगी थी वो दिखाई पड़ी है अन्य राज्यों में, तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का माहौल हो। चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें हैं यहां से, तो ऐसे में अगर बात करें तो जनता में जो रोष है वो ना जो है पनप पाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई भी होगी
थी और सीएम का जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने जो जन सुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन बनाई थी। बिल्कुल विशाल, ये फीडबैक बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान और भी पहले हो जाता। और कई बार ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि एफआईआर दर्ज करने में बहुत ज्यादा भेदभाव अधिकारी करते हैं और साथ ही जो भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं उनको धमकी भी मिलती है। तो बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।